तानाशाही का सरकार है, अगर इस बार केंद्र में मोदी का सरकार आएगा तो हम लोग भूखा मर जाएंगे, गरीब सब जो है भूखा मर जाएगा। किसान के खेत में लेटरिंग करल जाए छे तो किसान मारल दोगे छे। चले हमरा करावे जो चले अभी तक नहीं बना कुछो नहीं, नाला उला कुछो नहीं। मिला जी 5 लाख आयुष्मान कार्ड वाला नहीं, क्या बात मिले जब वो जमीन नहीं है की बात करबे। 6000 रुपया नहीं मिले, नहीं मिले 6 लाख रुपया कहाँ से बैठते घर के पैसा कुछ नहीं। मोदी जी कहल की हम गरीब के 5 लाख रुपया दवाई सुइया करावे ला जल्दी यहने को कहो तो एगो दवाई फ्री में ना दे है ना, एगो गोली मांगे में कहता हां तुरंत पैसा लागे तो हमरा पैसे हम कहां से देबो। देखिए बनमनखी की महिलाओं से जानेंगे कि इस बार महिलाओं का रुझान किधर है। ये दादी काफी गुस्से में लग रही है, नाराज लग रही है। दादी कहां भागा तू मारा की ना, कहां भागा तू, कहां गुस्सा लो कदम कदिल गुस्सा में बेटी एकरा पर गुस्सा लो। अच्छा से कह जे ए उसे कह जे 15 लाख दे छे इलाज जे फिर के दे जे 15 लाख मोदी जी कहे कुल के हम 15 लाख देलिए मोदी जी ना देलखुन ये गोली मांग में डॉक्टर कौन की पैसा ले जल्दी कछु देबो यहने को कहो तो एगो दवाई फ्री में ना दे है ना, एगो गोली मांगे में कहता हां तुरंत पैसा लागे तो हमरा पैसे हम कहते से देबो। मोदी जी कलक उना कलक मोदी जी कलक 5 लाख दे रहा लिए गरीब के 5 लाख वाला कार्ड ना बन लो तोर दादी ने सुना ना सुन लिए हम 5 लाख वाला कार्ड ना बन लो ना बन ले हमने ना बन लो कहाँ आयुष्मान भारत वाला कते बन मोदी जी कहल की हम गरीब के 5 लाख रुपया दवाई सुइया करावे ला जाने छिए ना ना कुछो ना कुछो ना कुछो ना क्या का आपको मिला जी 5 लाख आयुष्मान कार्ड वाला नहीं, क्या बात मिले जब वो जमीन नहीं है की बात करबे। 6000 रुपया नहीं मिले, नहीं मिले 6 लाख रुपया कहाँ से बैठते घर के पैसा कुछ नहीं। अरे भंगल का घर मर चेलो झलका मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पक्का ठोकवा दिए। हाँ चलो पक्का देखो, चलिए जरा चली चली देखे कौन घर बनाया देखते हैं दिखा। मैं आपको इन हर बच्ची है यार पानी घर में चला जाता है, तब नाला भी नहीं बना है ना। आप कौन घर है आपका, चलिए तो देखते हैं। दीदी बहुत नाराज हैं, इनका कौन सा घर है दिखाइए जरा सा, कौन घर है आपका जरा सा दिखाइए। अच्छा और अंदर है, आइए दिखाते हैं। मोदी जी का पक्का वाला घर बनवाए हैं, 1.5 लाख रुपया मिला होगा। मोदी पक्का बना मोदी जी यह घर बनवा दिए हैं, दिखाइए जी ये घर मोदी जी पक्का वाला नहीं बनवा है। हम चलो ना अब देखा छियो नीतीश चाचा वाला नल नहीं लगा है, नहीं लगा है। देखिए जमीन रहे तो लगेगा कहाँ से, ये नाला में पानी नहीं जाता है कहीं नहीं जाता, जमीन में जाता है वो बोलता है नहीं देखते हैं पैर नाला नहीं बनल यहाँ कुछ बना हुआ है कुछ है, बैंक करता है तीन तो नीतीश चाचा वाला नल जल योजना ना मिला अभी भी काले से पानी भरती हैं। हाँ। नल नीतीश चाचा वाला नल जल योजना नहीं बना, नहीं नहीं बना, आपको भी नहीं बना कुछ नहीं। देखिए ना बाथरूम में रहे कुछ नहीं, कुछ नहीं बाथरूम बाथरूम कुछ नहीं है पूरे बिहार में सब तो मिला ना, नजर सब देखता है ये नहीं है कुछ नहीं है। खेत में जाती होंगी बात वॉशरूम बनाने के लिए आया, जगवे नहीं है हमको, जगवे नहीं है तो बनाएगा कहाँ, चल जाता हाँ घूर को चल जाता हमारा कन्हैया चल जाता। सब लोग का यही स्थिति है, घरों का पैसा नहीं मिला है, इतने टाइम है चार दिया केना रहेगा ओकर संख्या तीन वार्ड में। अच्छा घर वाला पैसा नहीं मिला है नहीं, कुछ ना मिले हमरा को नाला भेटा है कुछ नहीं है। अगर दूसरा हमर के छे बाथरूम दूसरा के जमीन में छे गार दे छे ज्यादा मारे ले दगो छे ज्यादा हमर के की मिलते बाथरूम
तीन वार्ड में कुछ नहीं चाहे घूर का देख लग तो आर का कौन है आप मुखिया जी घूर लिया ना चाहे लादू घर में चाहे लादू घर में लोग नहीं करवाते हैं कुछ ना चलिए तो मोदी जी वाला पैसा नहीं मिल रहा घर ना घर मिलते तो बने थी ना इनका घर घुमा के दिखा दीजिए देखिए कि इस गांव में लगभग लगभग दूर दूर तक बहुत कम पक्का का घर सबका यही इसी तरह से घर है हाँ ये नहीं है घर सगरी हाँ पक्का का घर किसी के किसी का नहीं है चलिए जी बाहर निकल जाइए तीन वार्ड गैस सिलेंडर भी नहीं है गैस सिलेंडर कुछ भी नहीं है दीदी गैस सिलेंडर नहीं है चलिए घर में दिखाते हैं कुछ नहीं ले तो गड़बड़ा गया देखिए गैस मोदी जी वाला गैस सिलेंडर का भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला है ऐसा कहना है यहाँ की जो महिलाएं हैं बाहर निकलो देखिए अभी जो है हम बनमनखी में हैं बनमनखी की जो महिलाएं हैं वो काफी नाराज हैं नाराज इसलिए हैं कि इन लोगों को ना ही तो गैस का पैसा मिला है ना ही वोट हमारे बहुत नाराज छी मोदी जी के नहीं देबो ककरो नहीं देबो ककरो नहीं देबो तो सरकार कैसे बनते बनते तो सबके लिए नहीं बनते तो ककरो लिए बदलहो तो बदलाव करहो किया हम साल से मोदी जी की सरकार है तोहर अथी में दस साल से रहे लालू जी वो से रहे सगरे सीलिंग वाला जमीन छे तेतरा ही मना छे तीन वार्ड में हमार का जमीन नहीं दे रहल छे मोदी जी के फंड से ना तो वो मोदी जी के जे सांसद बनल हुआ ना दस साल से तो सवाल हुनकरा से ना करबहु सवाल अखन ई है तकरे से सवाल करो ओकर पार्टी तब ना सवाल करबो ओकरे पार्टी वाला अब आई तो वोट मांगेला संतोष कुशवाहा हुनकरा से पूछियो हम दिखाबो ले जाए संतोष कुशवाहा तो ओकरा पूछबे टाइम खिया गेल ओकरा दरवाजा पर जा पर लेकिन घुर के ना एले देखे नहीं वोट खाली दे ले लिया चल दिया हां चलिए तो देखिए ये जो महिलाएं हैं तब ना पार्टी को पूछवा आएगा वो लोग भी आएगा वोट का समय में सब आएगा हां ओ तो पूछवा वकरा चलिए हां तो देखिए ये जो है ये माहौल है ये पूर्णिया है और पूर्णिया के बनमनखी में बनमनखी की जो महिलाएं हैं काफी नाराज है नाराज होने का वजह ये है कि इन लोगों को न घर का पैसा मिला न शौचालय का पैसा मिला न यहाँ तक कि जो उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीटा जाता है देश में कि हम महिलाओं को फ्री में गैस दे दिए हैं इन लोगों को गैस सिलेंडर तक नहीं मिला है ये हकीकत है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की अब हम आपको दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हम तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं हमें पता है आपके दिमाग में यही चलेगा लेकिन ये सच्चाई है भैया और इस सच्चाई से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं भले आप अपना मुंह मोड़ लीजिए अंधभक्ति के दौर में लेकिन हम नहीं मोड़ सकते हैं इनके घर में गए घर में घुस कर देखे इनके भी घर में देखे और एक बार जरा सा कैमरा घुमा दीजिए दूर दूर तक बहुत कम आपको एकाध गो पक्का का घर दिख जाएगा वो भी पक्का का घर जो है उन लोगों का है जो थोड़े से सही स्थिति में है जो अमीर लोग हैं जिनके पास अपने पैसे हैं वो बना रहे हैं लेकिन गरीबों के पास न घर है न शौचालय है न कोई भी सुविधा जिसका ढिंढोरा पीटते हैं मोदी जी कि हम ये बनवा दिए हम वो बनवा दिए उसकी सच्चाई जमीनी स्तर पे तो कहीं नहीं है तो यही है सच्चाई अभी भी पूर्णिया जैसे क्षेत्र में क्या हाल है जो ये पूरा बदहाल हो चुका है देखिए अभी जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये जितनी भी माताएं हैं दादी हैं बहनें हैं भाभी लोग हैं ये सब एकजुट हैं और सबका शिकायत सेम ही है इसलिए नाराज है बाकी ये कह रही है 10 सालों में यही था संतोष कुशवाहा का विकास और इस बार यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है दीदी देखिए दिक्कत किसान के खेत में लेटरिंग करल जाए छे किसान मारल दोगे छे चले हमरा करावे चले अभी तक नहीं बना कुछो नहीं नाला उला कुछो नहीं घर देखे छे हमरा के झोपड़ी में अंदर छे हां तो जब हां घर घर गैस नहीं मिला कुछो नहीं लकवा हेले ठक लेल के टका लेके का भाग गेले पैसा लेके भाग गेले पैसा ले यही है आपका न्याय और जिसको आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे कितना भ्रष्टाचार हट गया है और कितना मिट गया है इसका भी जवाब हमें जरूर दीजिएगा ये हकीकत है जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पूर्णिया के बनमनखी में है और बनमनखी के लगभग लगभग घरों का यही हाल है कि यहाँ नीतीश कुमार जी वाला नल जल भी नहीं है बहुत आश्चर्य की बात है कि जहाँ नल जल सब जगह है क्या तो मैं मुझसे पानी नहीं निकलता अगर
अगर हम लोग किसान आदमी अगर 50,000 भी लोन लेते हैं बैंक से, तो उसका मतलब सारा कागज उसको चाहिए। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मतलब केस हुआ इधर, सबसे बड़ा केस है इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसमें जो है मोदी जी अगर 250 करोड़ का चंदा लिए, बीप वो कहते हैं हम सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन वो जो बीप काटने वाला और बेफेलो निर्यात जो है करता है यहाँ से, उससे चंदा ले लेते हैं, हर एक 20 कंपनी से इधर चंदा लिया, लेकिन हम लोग अगर 50,000 भी लोन ले ले कुछ करने के लिए, तो उसको जो है मतलब सारा कागज दीजिए, ये वो 10-12 आएगा ऐसे करने के लिए। इसमें किसान आत्महत्या कर लेता है, विजय माल्या अडानी जो है मतलब उस वो सब अगर कुछ लेते हैं तो उस पर कोई, वो तो उसका दोस्त है, जैसे मान के चलिए क्या नाम है इसका, नितिन गडकरी जी जो है, उसको जो है मतलब पूछा जाता है, अगर मीडिया पूछता है कि जो आप जो है मतलब देखते हैं बीजेपी का जो भी आदमी को कैरेक्टर पे धब्बा लगा हुआ, अगर वो बीजेपी में चला जाता है तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, उसको साफ कर दिया जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि और इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं नितिन गडकरी जी, वो भी बोलते हैं कि जो हम मतलब इको फ्रेंडली साबुन है, ये सब बड़ा चिंता का विषय है। तानाशाही का सरकार है, अगर इस बार केंद्र में मोदी का सरकार आएगा तो हम लोग भूखा मर जाएंगे, गरीब सब जो है भूखा मर जाएगा, बस यही कहना चाहेंगे हम। देखिए अगर केंद्र में मोदी जी का सरकार फिर से आता है तो तानाशाही की सरकार होगी। आज जो है बड़ा बढ़िया दिवस है, अम्बेडकर दिवस है, और यह वही दिवस है जिस अम्बेडकर के कारण आज हमारा जो देश है वो आजादी के पथ पर चल रहा है, उनके लिखे संविधानों से चल रहा है, और लोग आज अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो उन्हीं का देन है। और उस दिन में आज हम ऐसे मोहल्ले में आए जहाँ लोग जो है इतने सारे समस्याओं से ग्रसित हैं, इनकी इतनी समस्याएं हैं ना कि हम सुन नहीं पाएंगे। जब हम यहाँ आए ना तो समस्याओं का भरमार है यहाँ पे, हम आपको साथ बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग ये दावे करते हैं कि विकास कर रहा हमारा बिहार, विकास कर रहा हमारा देश, उनको एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा देश वाकई में कहाँ है। और बाकी समझने की जरूरत जनता को है कि जिसको आप सरकार बना रहे वो सरकार आपके लिए कितना कर रही है। अभी अगर नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव आ चुका है। बाकी आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे, हमारा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।